सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर आप बैलेंस विड्रॉ का काम करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी का काम करते हैं, या CSC में काम करते हो, तो आपको वहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस जब तक नहीं होगा, आप वहां पर बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस विड्रॉ या CSC का काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है। सो गाइस, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस हैं, उसका एक्सपायर हो गए हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आप अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस को किस तरह से रजिस्टर करेंगे। बट उससे पहले आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको RD सर्विस का जो ऑनलाइन वेबसाइट होता है, उसमें अकाउंट कैसे बनाना है। जब तक अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप अपना जो डिवाइस होता है उसको रिचार्ज या रिन्यूअल नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो आज आपको सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप RD सर्विस ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस को रिन्यूअल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है RD सर्विस। RD सर्विस सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा RD सर्विस ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस होने के बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। सो गाइस, आप भी यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेना। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। ईमेल आईडी फिल करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP के लिए यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिए गए हैं SMS का। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा, ताकि आपका SMS आसानी से आ सके, OTP आसानी से आ सके। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर OTP आएगा, OTP को फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमारा OTP आने ही वाला है और OTP आ गया। OTP आने के बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। इसे कर लिया, उसके बाद इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नाम, लास्ट नेम डालना होगा, फर्स्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, मोबाइल नंबर पहले से फिल है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। सो गाइस, सारा कुछ डिटेल मैंने फिल कर लिया। सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक डिब्बे हैं, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। तो जिस बैंक अकाउंट को आप यूज़ करते हो पेमेंट के लिए, उस अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारा अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है ढूंढने में। तो आप देख लेना कि कौन सा आप बैंक यूज़ करते हो। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक यूज़ करता हूँ, जो कि आपको लास्ट में दिखाई देगा। इसे देखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि पेमेंट मेथड के लिए आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अपना स्टेट ऑफ बैंक इंडिया का जो बैंक अकाउंट है, उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन पेमेंट के लिए आपको एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। बिलिंग एड्रेस का जो ऑप्शन है, इसमें सारा कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ सारा कुछ डिटेल फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और देखना है। यहाँ पर मैंने सारा कुछ डिटेल फिल कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, आप भी इसी तरीके से पेमेंट करने के लिए अपना अकाउंट बना सकते हो, RD सर्विस को रिचार्ज करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।